जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, एक अच्छी ट्रेडिशन बनाए, आप सुने आराम से। नो गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी, प्लीज गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी, कोई नाराबाजी नहीं होगी। देखें आज पहला दिन है नई असेंबली का, अच्छे अच्छी रवायात के साथ चलें आगे। आप तशरीफ रखें प्लीज, प्लीज आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। देखें आपका व्यू पॉइंट सुना गया, आपका व्यू पॉइंट सुना गया, आपका व्यू पॉइंट सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी जनाब स्पीकर, आपका व्यू पॉइंट आ गया था। बैरिस्टर साहब, जब आपने तकरीर की है तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज चुप करो। नहीं आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप बात तो सुन लेना। देखें देखें ये पार्लियामान की ये रवायत है कि आपने एक बात की है उसका जवाब सुन लें, सब्र से सुने, कोई बात आपको फिर मौका देंगे, फिर आपको फ्लोर देंगे, फिर आप बात करें। आप अभी बैठ जाएं। बातें इनके बारे में तो बैरिस्टर साहब, आई नीड योर इंटेलिजेंस प्लीज। उमर साहब आप बात करें। देखें पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आपने अपनी बात कर ली, आप फाजल मेंबर को बात करने दें। यही तो पार्लियामान का मकसद है कि हम एक दूसरे की बात सुने। अगर हम सिर्फ बोलेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आप ये हाउस किस तरह चलाएंगे? आप यहाँ देखें, हम सब यहाँ हैं, यू आर ऑनरेबल मेंबर्स, यू आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। बैरिस्टर साहब आप बताइए, जब आपने बात की तो आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, अब उनको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं दोबारा आपको टाइम देता हूँ, पहले बात सुन लें ताकि अगर कोई क्लेरिफिकेशन हो तो आप कर दें। जी देखें, फिर इस तरह तो कोई भी बात नहीं कर सकेगा इस हाउस में। नहीं देखें, जब आपने बात की, मेरी बात, मेरी गुजारिश सुन लें, देखें आप मेरी गुजारिश सुन लें कि जब आपने बात की तो यहां खामोशी थी, अब इनका जवाब सुने खामोशी के साथ। फिर कल आपकी कौन बात सुनेगा? उमर साहब कल आपकी कौन बात सुनेगा? ये शोर करेंगे? नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये पाकिस्तान की असेंबली है, खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल करो। जज्बात में आकर ये बातें करनी अच्छी नहीं है, मैं अपने तजर्बे पे आपको बता रहा हूं। सुनने का हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें, खुदा के लिए आप बैठ जाएं। मैंने आपकी बात मानी, अभी आप मेरी बात मानी, बैठें आप, बैठ जाए ना, आप बैठ जाए ना अभी थोड़ी देर बैठ जाए ना करें गौर साहब, आप क्या करते, आप बैठ जाए, आप दो गोहर हैं, कम से कम एक तो बैठ जाए। देखें मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। नहीं मैं फिर आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर इस तरह करना है, दस्ती साहब देखें, पार्लियामान में ये है कि आप अपना व्यू पॉइंट दें, आपकी जो मुखालिफ सम्मत है उसको सुने, अगर वो जवाब देना चाहें तो फिर आप हौसले से जवाब सुने, फिर अगर आपके पास कोई काउंटर आर्गूमेंट है तो आप दे, अगर इजाजत देता है स्पीकर तो दे दें। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बात करेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे बताएं मस्ती खेल ये कैसे चलाएंगे? जी बैरिस्टर साहब आपको क्लेरिफिकेशन अगर करना चाहें तो बाकी बैठ के सुने ना, फिर आपने शोर नहीं करवाना इस तरफ से। जी बैरिस्टर साहब, स्पीकर साहब मैं पॉइंट आउट ये करा रहा हूँ कि अंडर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया है वो रूल 17 में,
रूल 17 का सब रूल 8 ये कहता है जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब हम इस किस्म का आपके सामने उठाते हैं उस पे क्रॉस बात नहीं हो सकती जो अपना मौकअप दे। ये बेशक अदरवाइज अगर आपने उनको टाइम देना है यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, अगर आपने टाइम देना है वो अलग बात होगी। यस एवरी मेंबर इज एंटाइटल बट जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया है उस पर क्रॉस टाक नहीं होगी। वो मैं आपके नोटिस में विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल लेके आया, लॉ यही कह रहा है कि उस पर बहस नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा था उसका पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब नहीं है। मैं दोनों साइड के आर्गुमेंट सुन लूं। आपने एक बात कही है तहम्मुल से सुना गया। दस्ती साहब आप बैठ जाना प्लीज जी। दस्ती आप बैठ जाए प्लीज जी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर उनका एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया है, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौकफ आया है, अब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौकफ दे रहा हूं। आर्टिकल 51(6)(b) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन of contesting political parties read with section 104 of election act 2017 please order in this ab sunen uske baad janab sunni itihad ne koi seat ke liye yahan pe koi list nahi di hui na apply kiya hua hai। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। सबसे आखिर में मैं बात करूँगा कि एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो ऐड हो सकता है लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है, अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि तशरीफ रखें तशरीफ रखें। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा माफियां मांगी हुई हैं। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 1 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक मुलतवी की जाती है। मैं अपने लर्नर्ड कॉलीग को फ्लोर देता हूं आपकी तवसत से। मैं पाकिस्तान की कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ये मैंडेट दिया। जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करूंगा कि बैरिस्टर गौर साहब थैंक यू। उमर अयूब साहब आप खुद तो फ्लोर नहीं दे सकते तो जनाब गौर अली खान बैरिस्टर गौर अली खान आप मुख्तसर बात कीजिए प्लीज। थैंक्स यू। आई वांट टू सेट गुड ट्रेडिशन इन द हाउस। आई होप यू पीपल वुड अप्रिशिएट इट। Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. First of all, we are very thankful to Alhamdulillah. This occasion makes all of us very humble and thankful to Allah Subhanahu wa Taala. We made it to this house, despite all impossibility it had been made by the forces to us. हमें रोका गया, हमारे प्रपोजर सेकेंडरों को रोका गया, कन्वेंशन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं, पोस्टर की इजाज़त नहीं, स्टिकर की इजाज़त नहीं, लेकिन आवाम ने गुलामी नामंजूर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हमें इस घर में भेजा। ये इमरान खान का विजन है जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए और सईन को तकद्दस बनाने के लिए और अवामी मैंडेट वापस बहाल करने के लिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जब आप आईन के मुताबिक ओथ उठाते हो। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है। एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। यह आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, यह फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। बिल्कुल जिनके पास 45 के मुताबिक मैंडेट है, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। जितनी निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका गया, ये ख्याल और बावर कराया गया कि आवाम भूल जाएंगे, लेकिन आवाम के दिलों में आज भी है
कि इस मुल्क का हकीकी लीडर, पॉपुलर लीडर इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी है। ये हमारा मुतालिबा रहा है, ये हमारा जिंदगी भर मुतालिबा रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इस हाउस में किसी भी किनारे से कोई स्नीक इनटू द हाउस नहीं कर सकता, सिर्फ वो बंदा इंटर हो सकता है जो पब्लिक मैंडेट रखता हो। पब्लिक मैंडेट के अलावा कोई इंटर नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि वो इस हाउस की तकद्दस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वो तो टाके कहते हैं कि फर्ज निभाऊंगा। थैंक यू ब्रिटिश। तो वो स्पीकर साहब एक मिनट, जो पॉइंट करना है इसमें आर्टिकल की मंजूर करवाना चाहते हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो रूल 17 है उसके मुताबिक सबसे पहले लिखा आर्टिकल 51 में, After a general election, the National Assembly shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker. Speaker or deputy speaker ka election hota hai when jab National Assembly puri ho. Main sirf aapke samne padhunga Article 51. Article 51 ye kehta hai National Assembly hai kya? National Assembly ka definition provide hua hai in Article 51(3) mein. Usme ye likha hai, there shall be 336 seats for the members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslim. 3 में लिखा है, the seat in the National Assembly referred to in Clause 1, except the seat mentioned in Clause 4, shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th में लिखा है, notwithstanding anything contained in Clause 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, you have a request, there are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. वो 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। Correct. हमारे 23 एमएनएस आर सपोज्ड टू कम। थैंक यू बरिश सर, आपका व्यू आ गए कि उन तक ये मुअख्खर हो जब तक वो ना आए। वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप रूलिंग दें, मेरे आपसे ये इस्तेदा। थैंक यू, आप तशरीफ रखें।